नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल, शिक्षा शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज कोर्स कोड 509 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय में सामाजिक विज्ञान का एक पृथक संसाधन कक्ष होना अति आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग जब चर्चा करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इसकी आखिर आवश्यकता क्या है, क्यों ये अलग से कक्षा कक्ष बनाया जाए, इससे हमें अन्य विषयों के साथ सहसंबंध करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं या न्यायोचित बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष और उसमें जो रखे जाने वाले उपकरण हैं, संदर्भ पुस्तकों की जब हम बात करते हैं तो हम उनको तभी बच्चों को सुलभतापूर्वक प्रदान कर सकते हैं या प्रस्तुत करा सकते हैं, जबकि उनके पास सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष एक पृथक रूप में उनके विद्यालय में होगा। वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान विद्यालय के अन्य विषयों में सहसंबंध स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करता है। अगर हम सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के उद्देश्यों की बात करें तो ये अमूर्त सामाजिक सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करता है, सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों के विकास तथा नवीन खोज को बढ़ावा देता है, छात्रों को सामाजिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए प्रोत्साहित करता है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण के विकास हेतु छात्रों को उत्साहित करता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त पर्यावरण का निर्माण करता है। तो चलिए अब बात करते हैं या चर्चा करते हैं कि सामाजिक विज्ञान कक्ष की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान है, वह सत्य की खोज करता है और सत्य तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार अन्य भौतिक विज्ञानों के लिए प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के लिए विशेष कक्षों की आवश्यकता है। इसके द्वारा ज्ञानार्जन तथा जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त पर्यावरण या एक वातावरण प्रदान किया जा सकता है। विशेष कक्षा द्वारा विषय का विशेष वातावरण प्रस्तुत किया जा सकता है जो उस विषय के प्रभावी तथा कुशल शिक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न करके छात्रों की कल्पना शक्ति को भी उद्दीप्त करता है। ये विशेष कक्ष जो सामाजिक विज्ञान के लिए बनाया जाता है, यदि ये न हो तो शिक्षक के लिए उपकरणों के लाने और ले जाने में भी समय और शक्ति का अपव्यय होता है और साथ ही उपकरणों के टूटने और नष्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जो ये विशेष कक्ष होता है, इसके द्वारा इस अपव्यय और टूट फूट की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। विशेष संसाधन कक्ष में उपकरणों के निर्माण और उनके उपयुक्त प्रयोग के लिए अवसर और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। शिक्षा की आधुनिक विधियों की मांग को पूरा करने के लिए भी सामाजिक विज्ञान कक्ष की आवश्यकता होती है। चलिए अब बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष में क्या सामग्री होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रखी जानी चाहिए जो कि बच्चों के लिए उपयोगी होती है। सामाजिक विज्ञान कक्ष के आकार का निर्धारण के अगर हम बात करें तो ये छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है और विभिन्न प्रकार की सामग्री को यथास्थान रखने के लिए आवश्यक स्थान के आधार पर किया जाता है। वस्तुतः ये कक्ष के बड़े आकार का होना उससे बच्चों को लाभ मिलता है कि इसमें हम उचित प्रकार से सभी सामग्री को स्थापित कर सकते हैं। इसमें न केवल क्षेत्रफल या फर्श का जो क्षेत्रफल होता है वही अधिक होना चाहिए, बल्कि उसकी ऊंचाई पर भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जिससे कि उसमें अगर हम बड़े मॉडल या कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें रखना चाहें तो वो भी आराम से आ सकें।
तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान के संसाधन कक्ष होते हैं उसमें क्या फर्नीचर होना चाहिए या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं जो होनी ही चाहिए। कि जो फर्नीचर की अगर हम बात करें तो उसमें समतल सतह की जो मेजें होती हैं वो होनी चाहिए, कुर्सियाँ होनी चाहिए, बुलेटिन बोर्ड होने चाहिए, अलमारियाँ होनी चाहिए जो कांच के जिसमें ग्लास होते हैं जिससे कि अंदर रखी हुई चीज़ें या मॉडल अच्छी प्रकार से दिखाई दे सकें, मैप स्टैंड होने चाहिए, शोकेस होने चाहिए। और बच्चे अगर जिस समय प्रोजेक्ट का कार्य करते हैं या मॉडल बनाने के लिए वो चाहते हैं तो मॉडल बनाने की सामग्री भी होनी चाहिए, रोलर बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हम अभिनय के द्वारा बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसाधन कक्ष में शामपट का होना भी अति आवश्यक है कि कुछ जो संप्रत्यय हैं या कुछ बातों को अगर शिक्षक समझाना चाहे तो वो कैसे समझाए, तो दीवार पर एक बड़े आकार का शामपट भी लगा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मानचित्र कि सामाजिक विज्ञान कक्ष में भारत तथा विश्व के मानचित्र होने चाहिए, इनके प्रयोग से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। चित्र यानी सामाजिक विज्ञान कक्ष में चित्रों को स्थान मिलना चाहिए और ये चित्र राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के होने चाहिए। इनको कक्ष की दीवारों पर उचित स्थान मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त चार्ट और रेखाचित्र सामाजिक विज्ञान कक्ष में संगठनात्मक चार्टों और रेखाचित्रों को भी स्थान मिलना चाहिए। मॉडल कक्ष में जैसे कि उदाहरण स्वरूप आदर्श ग्राम, विद्यालय, पंचायत घर आदि के मॉडलों को भी स्थान मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण है कि संदर्भ पुस्तकें यानी सामाजिक विज्ञान कक्ष में विषय से संबंधित उत्तम पुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकों को भी स्थान मिलना चाहिए और इन पुस्तकों को अलमारियों में व्यवस्थित रूप से रखे जाना चाहिए कि जब भी विद्यार्थियों की इसकी आवश्यकता है तो उन्हें सुलभता से वो मिल सकें। इसके अतिरिक्त रेडियो, प्रोजेक्टर स्क्रीन, फिल्म और फिल्म खंड यानी सामाजिक विज्ञान कक्ष में शैक्षिक फिल्म, फिल्म स्ट्रिप्स आदि को शोकेस में सुरक्षित ढंग से रखा जाना चाहिए। टेलीविज़न, एपीआरडिस्कोप ये सब भी सामाजिक विज्ञान के कक्ष में रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वो समय समय पर इसका बच्चे इसका प्रयोग कर सकें। अब बात करते हैं कि संसाधन कक्ष की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यानी जब हम इसकी व्यवस्था की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कक्षा में प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था हो, स्वच्छ वायु का संचार हो जिससे कि बच्चों पे जो एक उनके शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़े। इसके अतिरिक्त अगर हम उनको आभासी भ्रमण कराएं तो उसके लिए कक्षा में कंप्यूटर, LCD स्क्रीन इत्यादि का भी प्रबंध होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें कि यह हमारे जो सामाजिक विज्ञान का कक्षा कक्ष होता है उसमें अच्छा फर्नीचर है, सब कुछ है, लेकिन उसको अगर शिक्षार्थी केंद्रित बनाना है कि विद्यार्थी उसको अपने समय, अपने रुचि के अनुसार उसका प्रयोग कर सकें तो वो कैसे करेंगे। तो शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। कि छात्र केंद्रित कक्षाओं में छात्र सीधे अपने ज्ञान की खोज में शामिल होते हैं। दूसरों के साथ सहयोग के माध्यम से छात्र प्रमाणिक, समग्र, चुनौतीपूर्ण और अनुभवशील अधिगम में संलग्न होते हैं। तो इसके लिए कुछ विशेष बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि जब हमारा जो शिक्षार्थी केंद्रित संसाधन कक्ष होता है तो उस पर हमें अधिगम का निर्माण करना चाहिए। यानी छात्र केंद्रित शिक्षक ऐसी स्थितियाँ बनाते हैं जो छात्रों को नए विचारों के साथ संबंध बनाने की अनुमति देते हैं और इन संबंधों को नई अवधारणाओं में विकसित किया जा सकता है जो छात्र के अनुभवों में वृद्धि करते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा के शिक्षक को सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिगम के अवसर प्रदान करते रहना चाहिए। दूसरी बात कि मेटाकॉग्निशन, यानी मेटाकॉग्निशन का तात्पर्य है कि चिंतन के विषय में चिंतन करना।
एक छात्र केंद्रित कक्षा में शिक्षक छात्रों के लिए मेटाकॉग्निटिव होने के अवसरों की सुविधा प्रदान करता है कि वो चिंतन कर सके, चिंतन में अपने सहभागिता दिखा सके। शिक्षक छात्रों को रणनीतियों का एक सेट हासिल करने में, लक्ष्यों को परिभाषित करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने में सहायता कर सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है और ऐसा अवसर प्रदान करता है कि ताकि छात्र स्वअधिगम से सीख सकें। अतः अधिगम में शिक्षक और छात्र भागीदारी भी होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक को अपने छात्रों की विकास विशेषताओं के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया में एक प्रभावी भागीदार बनने के तरीकों की समझ होनी चाहिए। एक शिक्षक छात्र केंद्रित अधिगम के अनुभवों को डिजाइन करता है जो कि छात्र की वर्तमान समझ और स्वाभाविक जिज्ञासा के लिए आवश्यक अवधारणाओं और कौशलों को स्पष्ट रूप से जोड़ता है। एक शिक्षक तभी प्रभावी होता है जब वो अपने छात्रों को सफलता प्राप्त करने के अपने तरीकों से काम करने के लिए सहायता प्रदान करता है, उसको अवसर प्रदान करता है। इसी में कि हम छात्र केंद्रित कक्षा कैसे निर्माण कर सकते हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है सहयोगी शिक्षा। सामाजिक वार्तालाप के साथ साथ छात्रों के बीच संबंध भी महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षक छात्र केंद्रित अधिगम के इस सिद्धांत को पहचानता है और सक्रिय रूप से प्रत्येक पाठ में सहयोगी अवसरों को प्रेरित करता है। सहयोग छात्रों को अपने साथियों से अधिगम और कौशल हासिल करने के अवसर प्रदान करता है जो कि उनके पूरे जीवन में लाभकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त वास्तविक दुनिया के संदर्भ में अर्थपूर्ण मूल्यांकन। जब छात्र गतिविधियों में लगे होने के परिणाम स्वरूप प्रामाणिक और चुनौतीपूर्ण अनुप्रयोग कर रहे होते हैं तो वे अधिगम के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। छात्र और शिक्षक समान रूप से उनके शिक्षण और अधिगम का निरीक्षण करेंगे तभी वे अपने कार्यों में आवश्यक समायोजन भी कर पाते हैं। एक छात्र केंद्रित कक्षा बनाना एक आसान काम नहीं होता है। छात्र केंद्रित कक्षा में सबसे जटिल कारकों में से एक है कि एक संतुलन कैसे बनाए रखें। एक अच्छी छात्र केंद्रित कक्षा इन विशेषताओं में से प्रत्येक को संतुलन प्रदान करती है। इन विशेषताओं का संतुलन छात्रों को उनके अधिगम पर नियंत्रण रखता है और छात्र को सशक्त बनाता है। इसी प्रकार से जब हम अगर एक पूर्ण रूप से देखें कि जो शिक्षार्थी या छात्र केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष होती है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो शिक्षण रुचिपूर्वक बनाए, रुचिपूर्ण बनाए, और ये तभी संभव होता है जब शिक्षार्थी शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अतः ये अपेक्षा की जाती है कि वे जो शिक्षक है वो इन बातों का कक्षा में अवश्य ध्यान रखे। और कक्षा को और अधिक छात्र केंद्रित बनाने के लिए शिक्षार्थियों के अनुभवों का भी उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थी समाज का एक सदस्य होता है और सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। शिक्षार्थियों के इन्हीं अनुभवों को शिक्षण के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, विद्यार्थी जिन जिन स्थानों पर भ्रमण कर चुके हैं उनके वहां के अनुभवों को साझा करके सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि हम किसी एक विशेष स्थान की चर्चा आज के अपने पाठ में कर रहे हैं तो बच्चों से प्रश्न किया जा सकता है कि कौन से बच्चे इन स्थानों पर घूम चुके हैं, और फिर उनसे चर्चा करके कि वहाँ पे आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया, और फिर उसको वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़कर उनको आगे का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त संसाधन। एक अच्छा शिक्षक पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास के वातावरण व सामग्री को हमेशा शिक्षार्थियों के जो ज्ञात ज्ञान से संबंधित करके सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करता है। उदाहरण स्वरूप,
भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताने से पूर्व शिक्षार्थियों को अपने राज्य क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम कक्षा को छात्र केंद्रित बना सकें। स्कूल गतिविधियों में समुदाय, प्राकृतिक और मानव दोनों संसाधनों का उपयोग कर दोनों के मध्य एक मजबूत बंधन बनाया जा सकता है। शिक्षार्थियों को अधिगम का अनुभव करने के लिए समुदाय की ओर ले जाया जाए या समुदाय को स्कूल में आमंत्रित किया जाए और वो तभी चीज़ों को अच्छे से सीख सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक मुद्दों में अन्वेषण के लिए स्थान देना, ये भी बहुत आवश्यक है किसी भी छात्र कक्षा को छात्र केंद्रित बनाने के लिए। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के उद्देश्य बच्चों को समाज की समस्याओं और चुनौतियों से संवेदनशील बनाना है। जब तक कि शिक्षक स्थानीय मुद्दों को विषय वस्तु से संबंधित नहीं कर लेता, तब तक वह बच्चों को अपने समाज के मुद्दों को अच्छी तरह से नहीं समझा सकता है। इसलिए सामाजिक मुद्दों को पूर्णतया समझने के लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा में बच्चों को विभिन्न अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप, बच्चों को यदि लिंग भेदभाव के विषय में समझाना है तो उन्हें एक क्षेत्रीय अध्ययन दिया जा सकता है, जिससे कि वो इस संप्रत्यय को अच्छी प्रकार से समझ सकें। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान के संसाधन कक्ष को छात्र केंद्रित बनाने के लिए मानवाधिकारों की चर्चा भी की जानी चाहिए। सामाजिक विज्ञान में मानवाधिकारों की चर्चा अति आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी समाज में सबके लिए अधिकारों को जान सके। उदाहरण स्वरूप, समाज में सभी के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं एक मानव अधिकार है। इस एक विषय पर कक्षा में विद्यार्थियों को एक सामूहिक कार्य दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जीवन कौशल विकसित करने के लिए जगह बनाना, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के लिए उनमें जीवन कौशल विकसित करना बहुत आवश्यक है। और जीवन कौशल व्यक्ति को हर दिन जीवन की मांगों और चुनौतियों के को प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि बच्चों को हम ये चीज़ें सिखाएं। फिर दूसरा कि छात्र केंद्रित कक्षा का निर्माण करने के लिए कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग भी किया जाना चाहिए और उसका उचित उपयोग करना अति आवश्यक है। अमूर्त अवधारणाओं को समझने और छात्र को समझाने के लिए कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि जो कुछ हम देखते और सुनते हैं वो हमारी स्मृति में लंबे समय तक बना रहता है। यहाँ तक कि NCF 2005 ने ऑडियो विजुअल सामग्रियों के अधिक संसाधनों का प्रयोग करने की भी सिफारिश की थी। और इसके उदाहरण स्वरूप आपको बता सकते हैं कि जैसे कि अगर हम भूगोल विषय पढ़ाते समय उनको ज्वालामुखी का फटना या इस तरह का कोई दृश्य दिखाना चाहते हैं तो उन्हें ऑडियो विजुअल की सामग्री या कंप्यूटर का प्रयोग आदि करके उनको एक वास्तविक चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा को विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए सभी बच्चों के विचारों का सम्मान करना अति आवश्यक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, अतः कक्षा में सभी विद्यार्थियों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। बहुभाषा का उपयोग, शिक्षार्थियों को बाधा के बिना अवधारणाओं को समझने के लिए या समझाने के लिए जो मदद करता है, एक शिक्षक सामान्य भाषा के अतिरिक्त बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकता है। सभी के लाभ के लिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुभाषी चार्ट प्रदर्शित होने चाहिए, बहुभाषा से संबंधित ऑडियो टेप्स, रिकॉर्डर आदि होने चाहिए। जैसे कि इतिहास पढ़ाते समय स्मारकों, शिलालेख, पुरातात्विक स्रोत इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करते समय बच्चे की भाषा में शब्दों का प्रयोग और कक्षा में उनका उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए।
इस प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष का निर्माण जब हम करते हैं तो शिक्षक की अपेक्षा छात्र को अधिक महत्व दिया जाता है इसमें, और यह छात्रों को की सक्रिय भागीदारिता को भी प्रोत्साहित करता है। इससे छात्र न केवल शिक्षा के बारे में जागरूक होते हैं बल्कि स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी भी लेते हैं और छात्रों में प्रेरणा आमतौर पर छात्र केंद्रित शिक्षा के साथ बढ़ती है। जब हम छात्र केंद्रित कक्षा का निर्माण करते हैं तो छात्रों को स्वायत्तता प्रदान करनी अति आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि कक्षा में छात्र के बैठने की व्यवस्था, गृह कार्य आदि की स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए, आकलन में अधिक प्रकार के प्रश्न देने चाहिए, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के विकल्प चुनने का उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार से छात्र केंद्रित कक्षा कक्ष निर्माण के लिए ओपन एंडेड प्रश्न प्राविधि का भी जरूर से प्रयोग किया जाना चाहिए। यह अभ्यास महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है और समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाता है। यह संचार को प्रोत्साहित करता है। इसी प्रकार से छात्र सहयोग और समूह परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना। जब छात्र एक दूसरे के साथ बैठकर काम करते हैं और वो पाठ सामग्री को अधिक सीखते हैं, वे दूसरों के अलग विचारों का सम्मान करना भी सीखते हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा को समुदाय में बदलना, यानी एक कम्युनिटी फॉर्म में उसको बदलना। पारंपरिक कक्षा में शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं, और छात्र केंद्रित कक्षा में छात्र बोलते हैं और शिक्षक आवश्यकता के अनुसार ही अपना बच्चों के बीच में बोलता है और उन्हें पूरी सुविधा प्रदान करता है, और फिर छात्रों को उनकी भागीदारी के लिए एक धन्यवाद भी देता है और कहता है कि वो इस तरह से किस तरह, यानी वो बीच बीच में उनको मार्गदर्शन देता रहता है। सीधी शिक्षा प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करके और उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम करके छात्रों में समुदाय की भावना का विकास होना भी प्रारंभ हो जाता है। छात्र केंद्रित कक्षा में शिक्षक न केवल शिक्षक के रूप में कार्य करता है बल्कि सुविधा और कार्यकर्ता दोनों के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जब छात्र केंद्रित कक्षा का निर्माण किया जाए तो छात्रों में विश्वास और संचार विकसित करना भी अति आवश्यक है। एक छात्र केंद्रित कक्षा या अधिगम का माहौल विश्वास व मुक्त संप्रेषण के बिना नहीं हो सकता है, और ये छात्रों को सुनकर और उन्हें बोलने की अनुमति देकर ही हासिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छात्र केंद्रित कक्षा का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के भी उपाय करने चाहिए। प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के तरीके की एक योजना बनानी चाहिए। छात्र केंद्रित कक्षा का विकास करना अर्थात छात्रों की कक्षा में सहभागिता को बढ़ाना। जितना बेहतर आप किसी गतिविधि या परियोजना में छात्रों को शामिल करने में सक्षम होते हैं उतना ही छात्र केंद्रित कक्षा बनती है। आज की दुनिया में प्रौद्योगिकी छात्रों को आकर्षित करने में बहुत सक्षम है और उनके प्रभावी शिक्षण में भी बहुत उपयोगी होती है। छात्रों को जानकारी प्रस्तुत करने और साझा करने के लिए मुफ्त वेब टूल्स का प्रयोग करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें आमंत्रण देना चाहिए कि किस प्रकार से वे स्वयं को इसमें भागीदार बना सकते हैं। जब छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में रोमांचक वेब टूल्स और प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने का अवसर दिया जाता है तो वे किसी भी अधिगम की गतिविधि में उत्सुक, चिंतनशील और प्रतिभागी बन जाते हैं। इसी प्रकार से छात्र केंद्रित कक्षा कक्ष का निर्माण करने के लिए छात्रों को नेतृत्व करने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। छात्रों की कक्षा में नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करना एक छात्र केंद्रित अधिगम के माहौल को विकसित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। प्रत्येक दिन कुछ छात्रों को व्यक्तिगत गतिविधियों का प्रभार देना चाहिए। इसी प्रकार से अपने प्रदर्शन मूल्यांकन में छात्रों को शामिल करना चाहिए। छात्र केंद्रित कक्षा
या अधिगम का माहौल छात्रों को तब तक अधिगम के लिए प्रोत्साहित करता है जब तक कि वे यह प्रदर्शित न करें कि उन्होंने किसी विषय में निपुणता हासिल की है। अधिगम की प्रतिक्रिया और मूल्यांकन के इस रूप में विद्यार्थियों को प्रवीणता तक परियोजनाओं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की कि कोई भी कक्षा जो हम संसाधन कक्ष बनाते हैं उसमें विद्यार्थी केंद्रित उसके रूप में उसको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है जिससे कि शिक्षण और अधिगम दोनों ही प्रभावी हो सके। धन्यवाद।